नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम और मैं आपका आरजे उद्धव आपका सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस डेली करंट अफेयर्स क्विज के कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते बिना देरी किए हुए हमारे क्विज की ओर। हमारी पहली क्विज है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया? सही जवाब है, इंदौर को लगातार छठे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य है। बढ़ते हैं अगली क्विज की ओर। ये क्विज है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? सही जवाब है, भारतीय वायुसेना यानी कि IAF ने राजस्थान के जोधपुर में एक समारोह में प्रचंड नामक स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पहले बैच को भारतीय वायुसेना की सूची में शामिल किया। अगली क्विज है, स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है, महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। अगली क्विज है, बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता? सही जवाब है, तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत पहला पुरस्कार जीता। अगली क्विज है, UNCTAD की वार्षिक व्यापार और विकास रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? सही जवाब है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 5.7% और अगले वर्ष में 4.7% बढ़ेगी। अगली अपडेट क्विज है, राज्य IT मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सही जवाब है, 3 दिवसीय राज्य IT मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन नई दिल्ली में 1 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ और 3 अक्टूबर को संपन्न हुआ। अगली क्वीज है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ऑप्टिमस नाम से एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया? सही जवाब है, टेस्ला के CEO एलन मस्क ने टेस्ला AI डे 2022 पर प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस पेश किया। अगली क्वीज है, 2020 में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर किस राज्य में है? सही जवाब है, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2020 में सबसे अधिक अंतर था, जिसमें महिला IMR 41 की तुलना में 35 का पुरुष IMR था। अगली अपडेट क्वीज है, रुपये 2000 तक के लेन देन के लिए UPI पर रुपये क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कितना शुल्क लगाया जाता है? सही जवाब है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI पर रुपये क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। बढ़ते हैं अगली यानी आखिरी क्विज तक। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार फाइनल ईयर 2023 में भारत का GDP अनुमान क्या है? सही जवाब है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास के सालाना अनुमान को 7.5% के पहले के अनुमान से 6.5% कर दिया है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो, रेडियो MPSC गुरु। अधिक जानकारी हेतु आप हमारे रेडियो MPSC गुरु और स्पेक्ट्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपका हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं इसके बारे में आप हमें हमारे व्हाट्सएप क्रमांक पर आपकी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप क्रमांक याद रखिए, लिख लीजिए 8698 86 98 80 यानी कि 8698 8698 80। धन्यवाद।